नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कुशल मंगल होंगे और दिवाली की तैयारियों में लगे होंगे। तो आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में कि धनतेरस की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। दिवाली की तैयारी हम सब बेसिकली सफाई से स्टार्ट करते हैं। हम सफाई में इतने बिजी हो जाते हैं कि घर के अंदर की सफाई हम करते रहते हैं, और मोस्टली ऐसा होता है कि एक मेन चीज हम भूल जाते हैं, वो क्या है? वो है आपका नेम प्लेट। आपके घर के सामने या घर के बाजू में जो आपका नेम प्लेट लगा हुआ है उसकी सफाई करना मत भूलिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि नेम प्लेट ही नहीं है। नेम प्लेट से बेसिकली क्या होता है, आप गुड लक और अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करते हो। तो अगर नेम प्लेट नहीं है आपके घर में तो आप अपना नेम प्लेट करेक्टेड नेम के साथ ज़रूर बनाइए, और धनतेरस का दिन बहुत शुभ अवसर है उसको अपने घर पे लगाने के लिए। बेसिकली नेम प्लेट मोस्टली बहुत लोगों को मैंने देखा है वो डोर पे लगा देते हैं। यू शुड नॉट पुट अ नेम प्लेट ऑन द डोर, क्योंकि डोर क्या है, ऑलवेज इट हैज़ मूवमेंट। तो हमें अपना नेम हमेशा ऐसे मूवमेंट में नहीं चाहिए, हमें अपना नेम स्टेबल चाहिए। तो आप देखिए मेन डोर के बाजू में राइट साइड या लेफ्ट साइड जगह है तो वहाँ पे अपना नेम प्लेट लगाइए, और अपना नेम प्लेट सुंदर तरीके से बनवाइए, और कोशिश करिए कि हमेशा वो नेम प्लेट साफ सुथरा रहे और चमकता रहे। दैट इज द ट्रिक टू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ एंड टू अट्रैक्ट गुड लक। अब हमें और क्या करना चाहिए, आपको धनतेरस के दिन 13 दिए लगाने चाहिए। बेसिकली आपको 13 दिए और 13 कौड़ी लेके आइएगा। 13 कौड़ी उन दियों में डाल के 13 दिया आपको जलाना चाहिए, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में यम का दीपक जलता है, दैट इज सरसों का दीपक आपको जलाना चाहिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन में धनतेरस के दिन। और हमें धनतेरस पे क्या करना है, आपको धनतेरस के दिन 2 झाड़ू ज़रूर खरीदना चाहिए। बट कहीं कहीं आप बोलोगे कि आई स्टे एट स्टेट्स, झाड़ू की तो यहाँ आवश्यकता ही नहीं है, वी ऑलवेज यूज़ वैक्यूम क्लीनर। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट इफ़ पॉसिबल आपको 2 झाड़ू ज़रूर खरीद के आना चाहिए, और धनतेरस के एक दिन पहले आपके घर में जो भी पुराना झाड़ू है उसे डिस्पोज करिए, बिकॉज इट गिव्स अबंडेंस। झाड़ू उस दिन खरीदना अबंडेंस को लाता है, तो ये आप ज़रूर करिएगा। एंड वन मोर थिंग, धनतेरस के दिन आपको साबुत धनिया, दैट इज अक्खा, धनिया भी ज़रूर खरीद के लाना चाहिए और पूजा में रखना चाहिए। अब अक्खा धनिया क्यों बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट्स प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, और ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो आप साबुत धनिया, दैट इज खड़ा धनिया ज़रूर लाइएगा और पूजा में रखिए। एंड वॉट एल्स टू बाय इन धनतेरस, बहुत सारे लोग धनतेरस में स्टील, प्लास्टिक कुछ भी खरीद लेते हैं घर के आइटम्स, बट नो, ये सही नहीं है। आपको धनतेरस के टाइम हमेशा पीला धातु खरीदना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी पीतल, इट कैन बी गोल्ड, इवन यू कैन बाई लग्जरियस आइटम लाइक डायमंड। बेसिकली वॉट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट इन लाइफ वही आपको खरीदना चाहिए। और पीला आइटम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दैट रिप्रेजेंट बृहस्पति भगवान, जुपिटर। कोशिश करिए कि आप एक छोटा सा ही सही गोल्ड खरीदें। अगर गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का आइटम खरीदिए, कोई भी पीतल, इट शुड बी बेसिकली येलो मेटल। पीतल का कोई आप पूजा का सामग्री खरीद सकते हो, छोटा सा बर्तन खरीद सकते हो, सो ये आप खरीदें धनतेरस में। अलॉन्ग विद दिस मैं बोलूँगी आपको 11 गोमती चक्र भी खरीदना है। तो गोमती चक्र और कौड़ी किस लिए, बेसिकली ये दोनों जो है माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, सो यू हैव टू गेट देम एट धनतेरस, और इनकी पूजा धनतेरस में भी करिए और दिवाली में भी करिए। इट गिव्स यू अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि जैसे सी व्हाट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम, जैसे आपके घर में सोर्स ऑफ इनकम कैसे आता है, अगर आप टीचर हो तो टीचिंग से इनकम आता है, तो कीप सम टीचिंग आइटम लाइक मे बी फॉर एग्जाम्पल बुक और स्टेशनरी, इसको भी आप पूजा में ज़रूर रखिए। क्योंकि दिवाली के पूजा में आई ऑलवेज सजेस्ट आपको तीनों का पूजा करना चाहिए, दैट इज़ गणेश, लक्ष्मी एंड सरस्वती। सो अगर आपका इनकम सोर्स मीडिया लाइन से आता है
तो मीडिया का आपके कोई टूल्स है तो उसको पूजा में ज़रूर रखिए। अगर आप किसी ग्लैमर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो तो आप अपने ग्लैमर रिलेटेड इंडस्ट्री जैसे मे बी समटाइम्स लाइक वर्क फ्रॉम होम और वट एवर, देन यू कैन यूज़ योर लैपटॉप। बेसिकली आपका कम्युनिकेशन किससे होता है, वर्क कम्युनिकेशन, इफ़ इट इज़ लैपटॉप, आप लैपटॉप को रखिए पूजा में। और ये सब करके आप धनतेरस में बहुत सारा अबंडेंस पाइए और माँ लक्ष्मी को इन्वाइट करिए। थैंक यू।